नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वेस्टइंडीज ने भारत को कांटे की टक्कर देते हुए मैच को रोमांचक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज आराम से इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन अंत तक चले इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। उनके बल्लेबाज साई होप ने उस गेंद पर चौका जड़कर मैच को टाई करा दिया। वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी गेंद पे मात्र 5 रनों की जरूरत थी। इस तरह से विशाखापट्टनम वनडे में भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 321 रन बनाए और वेस्टइंडीज को जीत के लिए 322 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 321 रन बनाए और मैच टाई हो गया। विराट कोहली की कप्तानी में आपको बता दें कि भारत का यह पहला टाई मैच रहा। मैच टाई करने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज थे साई होप, जिन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 134 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से शानदार 123 नाबाद रन बनाए। इसके अलावा शिमरोन हेटमेयर ने 94 रनों की शानदार धुआंधार पारी खेली। उन्होंने मात्र 64 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाए। भारत की तरफ से इस मैच में विराट कोहली ने एक और बड़ा शतक लगाया और 157 रन की बड़ी पारी खेली। इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज 10,000 रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और इसी के साथ कोहली ने अपने शतकों की गिनती को भी 37 पर पहुंचा दिया। गेंदबाजी में भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। अब 5 मैचों की सीरीज में भारत अभी 1-0 से आगे है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।